गुड मॉर्निंग यार, किस बात की गुड मॉर्निंग? 11 बज रहे हैं और अभी उठ रही हो, ये गुड मॉर्निंग है? मेरी नींद है मेरी मर्जी। वाह जी वाह। अच्छा हाँ, आज तो मेरे मेरी मर्जी डे है ना। आज के सारे दिन हमने यही रट लगा के रखनी है। अच्छा ठीक है। तो आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? यार तो मेरा मोबाइल, मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। आज है जी संडे और हम आए हैं इतवार बाज़ार, लाहौर के इतवार बाज़ार। मेरी बच्ची को कौन सी डलवानी है? आपने देख लो, फिर दुल्हन चूड़ी भी पड़ी है, ये दुल्हन चूड़ी भी। ये किस तरह दे रही है? ये दुल्हन चूड़ी पहनो, सुहागन भरी हो तो दुल्हन ही पहनो, अच्छी लगेगी। अल्लाह तेरे सुहाग दी खैर करे, अल्लाह जोड़ी सलामत मेरी बच्ची। ये कैसे दर्जन दे रही हो? राहत रखता है। बताओ तो सही, कैसे दर्जन दे रही हो? हाँ दीदी, लोग का कुत्ता भी चेंज ही महक कबीर पे तू काट दे। अल्लाह, दुल्हन चूड़ी महंगी है ना सारा? दर्जन 120 की। ये बाजी महंगा 3500 का डब्बा मिलता, ये बहुत महंगा ना। हजानी अल्लाह तेन हज ते ले जा, हमारा अपना भी नहीं कमीशन का बेचते। ये बहन है, ये कजन है, ये भाभी है मेरी। अच्छा, ये भी शादी शुदा? हाँ हाँ, उसको भी। तो फिर सुहागन भरी है तो आपने एंड पहली रखे है? नहीं, मेरे हाथों में है, ये देखो। क्यों सुहागन भरी? ये नहीं अच्छी लगती है, ये दोनों बहन एक को जैसी डलवा के जाओ। अल्लाह तेन पुत्र देवे सोने में गोल मटोली। अल्लाह इस मेरी बेगम की बाजू ते बर्बाद, देख मेरी इस बेटी को अच्छी भी लगती। तोड़ती है क्यों? खैरी सर, हाथ में तोड़ देती है। अल्लाह उनके नसीबा विच करे। इधर इधर दो ना डाल। क्या मतलब है, तुम कितने की ले रही हो यार? पता नहीं यार, कि तुम टूटी ना लगती। नहीं बेटा टूटी मैं निकाली है। बस खत्म हो गया। ये बस ये तीन दाने बस मेरे को बच गए, फिर मैं सिर में मार। दो दर्जन पहना थे, पता नहीं कैसे कैरी करूंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बस उतारोगी और क्या, मुझे पता है एक दर्जन उतारो। अच्छा यहाँ से इशाल के लिए वो ले ले, हम इशाल के लिए ले ले हम वो लहंगे का, उसके लहंगे का कपड़ा इशाल के। अच्छा चलो ले लो, तुम्हें ज्यादा पता है। और यहाँ पे हम एक कपड़े की शॉप थी तो यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ से मेरी भाभी को चाहिए था दुपट्टा, वो जो किरण वाला दुपट्टा होता है रेडीमेड, वो चाहिए था। ये भी अच्छा लगेगा वाइट पे, वाइट पे? ये मरून भी अच्छा लगेगा मेरे, लेकिन सादा है, सादा 500 हो जाएगा इसका फाइनल। मेरे पास है ऐसा। तुम अपने लिए ले लो, एक चीज ये डाल देंगे, बात खत्म हो जाए। अच्छा अभी नीचे करते हैं दरवाजे के। कौन सा ये पहना हुआ जो 850 में 1500 वाला सूट, 850 फुल कढ़ाई वाला, ये तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा, ये अच्छा, ये अम्मी के लिए सादा सा ना, लीला ना ये। हाँ जी यार, लीलन जो होती है गर्मी वाली बेहतरीन। और ये कॉटन है? सब लीलन है गर्मी वाली। ये 3 पीस है, 2 पीस है? 3 पीस वाली। ये दुपट्टा देखो ना इसका, इधर ये 1200 ले सकते हैं, इसी लाड में ठाए। ये देखो,
ठीक है साढ़े आठ सौ में ये प्रिंट लेडीज का ही नहीं नहीं जेंट्स जेंट्स है वही मैं कहूँगी जेंट्स बाजी जेंट्स वाला तो शायद नहीं पहनते हमारे जेंट्स टायर तो बिल्कुल भी ना लें कभी भी हाँ छोटी सी एक रिंग ये तो बड़ी है छोटी बच्ची के लिए बिल्कुल बहुत छोटा ये बड़ा साइज है शॉल का साइज कहाँ होगा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस भी थी कपड़ा और ज्वेलरी वगैरह तो कोई ज़्यादा ख़ास लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते बस थोड़े अरसे के लिए जो है वो आप लेके ऐसे यूज़ करें और थोड़े अरसे के बाद ख़राब हो जाए तो आप फेंक दें इस तरह का होता है यहाँ पे इतवार बाज़ार में स्पेशली और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बर्तन वगैरह हैं वो बर्तन और प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह हैं जो कप वगैरह या प्लास्टिक की चीज़ें या घर पहनने के शूज़ ये अच्छे मिल जाते हैं और अच्छी प्राइस में भी मिल जाते हैं तो ये तो बटन है ना ये है मोती वाले उसी के पर्पल कलर है हाँ ये मिल नहीं जाए ये मैं ये मैजेंटा कलर मेरे ख्याल से शायद लेकिन ये ज़्यादा ब्राइट हो रहा है थोड़ा सा डार्क एक एक पीस ना रखा हुआ ये देखा ये एक एक पीस रखा हुआ चेक करना एक एक पीस सब में रखा ठीक है गुलाबी ये तो ब्लैक है ब्लैक है अच्छा कितना नाइस कलर है और कुछ लास्टिक वगैरह ये मल्टी आ रहा है ना लेकिन वो शेड नहीं उसने लगाया तो ब्लैक है ना वो ब्लैक कलर नहीं है ब्लैक है हां वो ब्लू वो डार्क ब्लू नहीं होता जो नेवी ब्लू कलर उसने वो लगाया मेरे ख्याल से हां ये चलेगा वैसे क्योंकि ब्लैक उसमें है ना मेरे सूट में ब्लैक है इसमें ब्लैक ब्लैक लाइंस तो सारी ब्लैक ये क्या ये भी ब्लैक है चैनल के कारण ना 3 रुपए दिया ये पांच खुले नहीं है ओ भाई कि अगर ब्लैक उसने मुझे याद नहीं आ रहा ब्लैक है कि नहीं अगर है तो फिर ले लें अच्छा लगेगा ये वाली वैसे लगेंगी तो प्यारी ये मैं अपने सूट के लिए जो मैं मैंने आपको दिखाया भी था जो मैं लेके आई थी वहीं कराची से मैंने लिया था पर्पल कलर का उस पे ये लगने हैं जो बीड्स होते हैं जो मोती होते हैं ये लगने हैं तो मैंने बस वही मैं सोच रही थी कि वही मैं उसके लिए ले लूं कुछ और शाल जो है वो घर पे है अम्मी और भाई को हमने घर बिठाया है ताकि वो उनके साथ जो है वो ज़रा खेलती रहे और अम्मी के साथ भाई मेरा आता तो सही लेकिन फिर अम्मी के साथ शाल जो है वो ना रह सकती इतनी देर रोने लग जाती तो इस वजह से ज़रा खुश बैठी है तो घर में ही मैंने कहा चलो आज इसको घर छोड़ के ही जाते हैं और मैं मेरी भाभी आए हैं साथ में मेरे हस्बैंड आए हैं तो यहाँ पे बस हमने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे घूम फिर लें ज़्यादा कुछ लेना तो नहीं था बस छोटी मोटी चीज़ें जो अच्छा लगा तो हमने सोचा कि हम वो ले लेंगे और कपड़ा यहाँ पे था ये देखें इस तरह सूट मिल रहे थे और लेकिन ये फिर वही होता है कि नेट था कुछ चल भी जाते हैं कुछ इनमें से बहुत अच्छे भी निकल आते हैं बहुत अरसा भी चल जाते हैं लेकिन लिया मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर ये सारे सूट लगे हुए और फिर हमने पहन के देखे घर पहनने के लिए जो शूज़ होते हैं जो चप्पल होते हैं घर वाले तो मैंने सोचा कि मैं भी ले जाती हूँ यहाँ से और वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ फिर निकलना और बहुत दूर जाना बहरिया से फिर कराची तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मुझे जगहों का भी वहाँ पे पता नहीं है कि वहाँ कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या चीज़ जो है वो अच्छी मिल जाती है लेकिन लाहौर में ये है कि लाहौर का जो है वो आइडिया होता है कि कहाँ पर क्या मिलता है या कौन सी चीज़ जो है वो सही तरीके से मिल जाएगी क्यों कराची में मैं अभी न्यू हूँ मुझे किसी जगह का ज़्यादा पता नहीं है तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं ले जाती हूँ दो चार चीज़ें और यहाँ पर थे बर्तन वगैरह ये कप और स्पैचुला और लकड़ी के भी थे स्टील के भी थे और नाइफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी छोटी छोटी तो हमने फिर एक ये जो पवा होता है वो लिया है और कुछ बास्केट वगैरह चाहिए थी मेरी भाभी को
उन्होंने वो ली, लेकिन रौनक काफ़ी थी, काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया काफ़ी। और रौनक इस तरह नहीं कि बिल्कुल ऐसे हो कि मतलब धक्कम पेल हो, एक दूसरे को धक्के दे रहे हों सब और इस तरह हो, नहीं ऐसे नहीं था, काफ़ी सारे लोग थे बट फिर भी जगह थी, आराम से जो है वो इधर से उधर मूव हो सकते थे। और ये है जी, ये आप पूछेंगे कि ये कहाँ पे है, इतवार बाज़ार, पहले भी मैं आई थी लेकिन मैंने शायद आपको बताया नहीं, ये शेर शाह कॉलोनी में ही मॉडल बाज़ार जो है ये वहाँ पर है। तो पहले एक दफ़ा मैंने चक्कर लगाया था लेकिन तब जो है वो संडे नहीं था, उस दिन वो संडे का दिन नहीं था, इतवार का दिन नहीं था, लेकिन आज हमने सोचा कि हम इतवार के दिन ही जाते हैं और जाके इंजॉय करते हैं, चलो देखते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, प्राइसेस भी अच्छी थी, प्लास्टिक की चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएंगी, बॉल वगैरह, बास्किट्स वगैरह, और यहाँ पे बेड शीट्स थी, ये भी कुछ अच्छी होती हैं कुछ तो बस ऐवें ही होती हैं, लेकिन अच्छी भी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये लिहाफ के कवर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, ये देखें इधर सारे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और प्राइसेस नॉर्मल हैं बट कम बिल्कुल भी नहीं करते, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाते हैं, थोड़ा सा बाज़ार के करीब करीब ही लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कम होती होंगी प्राइसेस यहाँ पे, लेकिन जैसे बार्गेन आप कर लेते हैं ना बाहर मार्केट में जाके, संडे के अलावा कहीं जाते हैं तो बार्गेन कर लेते हैं, यहाँ पे बार्गेन का भी कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल, वो आपको कम नहीं करेंगे। और इधर हैं जी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं जैसे रिबन्स वगैरह, पोनियाँ वगैरह और क्लिप, ये चीज़ें, और मेकअप भी था लेकिन मेकअप तो हमने कभी भी यहाँ से नहीं लिया, ना मेरे हस्बैंड लेने देते हैं, तो बस ये थोड़ी सी शाल की जो है पोनियाँ वगैरह हमने चेक की। और ये हैं जी सिली सिलाई शर्ट्स जो मैंने पहले भी एक दफ़ा कराची के पता नहीं कौन से इतवार बाज़ार, अलादीन पार्क वाले इतवार बाज़ार से एक शर्ट ली थी और बहुत ही बुरा उसका हाल हुआ था, मैंने अभी पहनी नहीं थी उसको, बस मैंने धोया, मैंने कहा मैं धो के और फिर उसके बाद मैं उसको पहनूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक दफ़ा धो लेना चाहिए, तो मैं लाजमी जो है वो कपड़ा जो भी मैं रेडीमेड लेके आती हूँ उसको एक दफ़ा कंगाल लेती हूँ डिटोल डाल के ना, ज़्यादा उसको रब नहीं करती लेकिन उसको जो है वो कंगाल ज़रूर लेती हूँ, तो मैंने उसको धोया और वो एक दफ़ा धोने से ही वो सारा उसका कलर जो है वो ख़राब हो गया और बिल्कुल वो लग ही नहीं रही थी कि वो पहनने के भी काबिल है। तो यहाँ पे भी शर्ट्स थी 800-800 की, लेकिन मैंने फिर उसी डर से ली नहीं, पता नहीं कैसी होंगी, मैं इसका तो नहीं बता सकती कि सही होंगी। ये किचन के लिए ले लो, आपने क्या अपने किचन के लिए? हाँ एप्पल है तो अच्छा, वो ब्लैक अच्छी है। और यहाँ पे वॉल क्लॉक्स थी तो मेरे घर में भी अभी तो नहीं है, और किचन के लिए हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि चलो इस तरह की कोई फ्रूट वगैरह जिसमें बनाओ तो वो उस तरीके की जो है वो किचन में लगा लेंगे, लेकिन फिर रहने दिया, फिर हमने लिया नहीं, हमने कहा चलो किसी और साइड पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से ले लेंगे। कैसे रखा हुआ है ना भैया, कितना डेकोरेट करके रखा हुआ, एक हाथ लगा ना साइड डेकोरेशन के लिए, नहीं मजबूती से रखा मैं। चलो हैं ये हैं जी ग्लास, और ये छोटे छोटे बॉल भी अच्छे लग रहे हैं, ऊपर से उठाएंगे ना बॉल, ये और ये तो ग्लास है, ये है बॉल। और यहाँ पे ये इस तरीके से उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब हमने सोचा कि बस चलते हैं घर की तरफ, और ये मुझे नज़र आया पिकल बट कुछ ख़ास नहीं था तो लिया नहीं, वैसे हम लोग मेहरान का लेते हैं या नेशनल वालों का पिकल जो है वो ले लेते हैं। और ये देसी अंडे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, देसी लहसुन था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के काफ़ी अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया देख के। और यहाँ पे फिर जब हम लोग निकलने लगे तो ये टॉयज़ वाला एक भाई खड़ा हुआ था तो उसने फिर दिखाई, तो हमने कहा चलो शाल के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि वो बैठी हुई है वेट कर रही है और फिर पीछे से कॉल्स भी करवा रही थी मामू से कि मामा पापा कहाँ चले गए हैं, अब आएंगे तो मैं बीट करूँगी उनको, और फिर आई विल बीट देम एंड देन दे विल सॉरी टू मी, दे विल से सॉरी टू मी। तो फिर
बस हम इसी उसमें कि अब वो नाराज़ बैठी है और फिर उसके लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं। और वापसी पे बस जैसे ही हम निकल रहे थे तो ये शॉप नज़र आई, तो यहाँ से फिर हमने ये शूज़ ले लिए, मैंने भी ले लिए, मेरी भाभी ने भी ले लिए। ये अच्छी शॉप थी जूतों की, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे बच्चों के भी शूज़ थे और दूसरे बड़ों के भी थे, और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी छोटी मोटी थी यहाँ पे। तो शूज़ हमें जो है वो 250-250 के मिले हैं, और बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। और आप जा रहे हैं हम घर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।